गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ये देखिए हमें जो कैलेंडर मिला है माझी दैनंदिनी जो कॉपी है हमारी रोज़ाना डायरी, इसमें जो फ्रंट पेज है हमारा उसे किस तरीके से फिल करना है और साथ ही साथ इस कॉपी के अंदर ये कैलेंडर के अंदर कौन कौन सी बातें दी गई है, क्या इम्पोर्टेंट है इसका और क्या क्या हमें करना है अंदर, वो तमाम बातें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सब बच्चे गौर से देखेंगे और उसे करके लाएंगे, उसे करेंगे। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने एक फ़ोटो यहाँ पर आप लोगों का रहेगा। ये ऊपर फ़ोटो की जगह दी गई है, यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना रहेगा, विद्यार्थ्याचे नाव में अपना नाम यहाँ पर मराठी में लिखना रहेगा। उसके बाद विद्यार्थ्याचे आईची नाव, तो यहाँ पर अपनी अम्मी का नाम है ना, अपनी मदर का नाम लिखेंगे यहाँ पर। शाळेचे नाव में आपकी अपनी स्कूल का नाम रहेगा। माध्यम में जो भी माध्यम के आप स्कूल में पढ़ते हो, हिंदी मराठी उर्दू, वो यहाँ पर आप रहेगा। येत्ता जो क्लास है आपकी उसका, सेवन्थ है, फोर्थ है, सिक्स्थ है, जो भी, और जो डिवीज़न है आपका टुकड़ी है ए बी सी डी, वो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद रजिस्टर नंबर आपका, जो रजिस्टर नंबर है वो रजिस्टर नंबर यहाँ पर रहेगा। और जन्म दिनांक आपका, डेट ऑफ बर्थ यहाँ रहेगा, कितने साल के हो आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ रहेगी। जन्म स्थल आप कहाँ पर पैदा हुए, उस शहर का नाम, ज़िले का नाम, स्टेट का नाम रहेगा वहाँ पर। उसके बाद आधार कार्ड, विद्यार्थी से आधार कार्ड आपका यहाँ पर आधार नंबर रहेगा। सरल क्रमांक, जो सरल आईडी है वो टीचर यहाँ पर डालेंगे। पीईएन नंबर यूडाइस का, वो भी टीचर यहाँ पर डालेंगे, वो लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद दाखिल दिनांक, आप स्कूल में कब आए वो टीचर लिख लेंगे आपके, और उस वक्त कौन सी क्लास में आपका एडमिशन हुआ वो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद आपकी ऊंचाई कितनी है अगर आपको पता है तो यहाँ पर लिखना है फिट में। वज़न आपका केजी में रहेगा, कितने किलो के है। और रक्तगट यानी कि आपका ब्लड ग्रुप वो यहाँ पर रहेगा, ए बी जो भी, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव वगैरह वगैरह। वड़िलांचे नाव यानी आपके फादर का नाम आएगा यहाँ पर, वड़िलांचे पालकांचे नाव आएगा जो भी रहेगा। उसके बाद उनका आधार नंबर यानी आपके वालिद का या वालदा का यहाँ पर आधार नंबर रहेगा, अम्मी अब्बू का। कायम चपत्ता, अभी जहाँ भी आप परमानेंट रहते थे या रहते हैं उसका यहाँ पर एड्रेस आएगा, और अभी जहाँ पर रहते हो आप वो यहाँ पर आएगा। अगर गांव सद्या चपत कायम चपत्ता यानी गांव का एड्रेस आपका यहाँ पर आ सकता है, और अभी जो यहाँ पर रह रहे हैं आप लोग वो सद्या चपत्ते के अंदर यहाँ पर आएगा। उसके बाद ध्वनि क्रमांक के अंदर ये आपका फ़ोन नंबर यहाँ पर आएगा आप लोगों का, और अगर और कोई है आपके घर का व्यक्ति या नाते में है, कोई रिश्तेदार है, तो उसका नंबर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं इस जगह पर। तो इस तरीके से ये जो फ्रंट पेज है हमारा पहला पेज, इसके अंदर आप लोग इन्फॉर्मेशन फिल करके लाएंगे, खुद से मराठी में लाना है और पेन से लिख कर लाना है। और यहाँ पर आपका जो अभी लेटेस्ट अपडेट फ़ोटो है वो यहाँ पर रहेगा पासपोर्ट साइज़ का। तो इस तरीके से इसको फिल करना रहेगा। इसके बाद हम लोग और आगे देख लेते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आगे के कैलेंडर में और कौन कौन सी चीज़ें दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये कुछ तस्वीर दी गई है, महात्मा ज्योतिबा फुले की है और सावित्री बाई की है, राधा कृष्णन की है, एपीजे अब्दुल कलाम की है, और इन्होंने तालीम के लिए काफ़ी मेहनत हमारे लिए की थी एजुकेशन को बढ़ाने में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहले भारताचे संविधान, हमारे देश का जो दस्तूर है उसका, उसके बारे में दिया गया है। राष्ट्रगीत है हमारा जनगणमन, और उसके बाद महाराष्ट्र राज्य गीत है हमारा, राज्य गीत हमारा राज्य महाराष्ट्र है उसके बारे में मालूमात है। उसके बाद राष्ट्रगान है हमारा वंदे मातरम जो है, उसके बाद प्रतिज्ञा है, अहद है, उसके बाद सुविचार यानी कि अक़वाले ज़रनी, अच्छी बातें, वो टोटल यहाँ पर दी गई है। आप लोग ज़रूर इसका, इसको पढ़ना है आपको।
पालकान साठी सूचना यहाँ पर पेरेंट्स लोगों से गुजारिश है कि वो इसे अच्छी तरीके से पढ़े, एक एक चीज़ का पालन करें कि आपके बच्चों को किस तरीके से स्कूल भेजना है। ठीक इसी तरह विद्यार्थी साठी मार्गदर्शक के विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो स्कूल में कैसे आए, उनका लिबास, उनका नीट पने किस तरीके से वो आना है। यहाँ पर जो महत्वाचार्य संपर्क है, अगर किसी इमरजेंसी में कौन कौन से नंबर्स पर हम कॉल करके हेल्प ले सकते हैं, वो नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ पर हमारे बृहन्मुंबई महानगर पालिका की जो नंबर्स है स्कूलों के या और हमारे जो काम है वो नंबर्स यहाँ पर पूरे दिए गए हैं। इससे रिलेटेड भी आप पूरे पढ़ सकते हैं कि कितनी उर्दू स्कूल है, कितनी मराठी है, कितनी हिंदी स्कूल है हमारे महानगर पालिका में। इसी तरह जो गुणवत्ता है हमारी, उसके लिए हम लोगों ने क्या काम किए हैं, कौन कौन से अहम काम है, उपक्रम है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। ये हमको पढ़ना है एक बार। और इसी तरीके से वार्षिक विविध स्पर्धा, यानी हम लोगों को साल भर में कौन कौन सी महीने के हिसाब से मंथ वाइज दिया गया है कि कुश्ती का मुकाबला कब रहेगा और परिमंडल स्तर पर कब रहेगा, चित्रकला का कब रहेगा, कार्य अनुभव का है, संगीत का है, यानी जितने भी इन्फॉर्मेशन हमारी जो होने वाली है वार्षिक स्पर्धा, वो तमाम स्पर्धा की इन्फॉर्मेशन इस कैलेंडर में दी गई है। इसी के साथ साथ आपका सहभाग किस तरीके से रहा है स्पर्धा के अंदर, वो इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों ने क्या काम किया स्पर्धा में, वो आपको यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर पूरी जो इस छुट्टियों की हमारी कौन कौन से दिन छुट्टी है, हॉलीडे कौन कौन से दिन है हमारी, पूरे वार्षिक पूरा साल भर का हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है साल भर की इन्फॉर्मेशन छुट्टियों की, ताकि आप दिवाली और मई की जो बड़ी वेकेशन है उसके अंदर छुट्टियों का फ़ायदा ले सकें जाने आने में। फिर जो पालक के साथ पेरेंट्स के साथ मीटिंग रहेगी उसकी इन्फॉर्मेशन इस पेज पर रहेगी। विद्यार्थियों की अगर अनुपस्थिति रहती है तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो इस पेज पर है। और जो अहम नोट्स है, इम्पोर्टेंट बात है, चाहे वो टीचर्स की तरफ से कोई नोटिस देना हो बच्चों को, या पेरेंट्स टीचर के लिए कुछ यहाँ पर लिख कर देना चाहता है कि बच्चे से रिलेटेड, तो यहाँ पर लिख कर दे सकता है। तो इस तरीके से हमारे सामने पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कैलेंडर की। तो बच्चों, आप लोगों को फ्रंट पेज सही तरीके से फिल करना है और ये पूरा कैलेंडर हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। अल्लाह हाफिज़।